और देश में इस वक्त दाना तूफान का असर दिखाई दे रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। दाना तूफान का असर मध्य प्रदेश में 27 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। तूफान के असर से छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूरे प्रदेश की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा दीपावली के बाद तापमान में गिरावट होगी और मध्य प्रदेश में ठंड दस्तक देगी। दिन में कई शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। रूप में मिल सकता है, बाकी हवाएं और बाकी वर्षा वगैरह उतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी ये लैंडफॉल होने के बाद अभी अगले 6 घंटे के अंदर ये साइक्लोन से उसकी तीव्रता कम होकर फिर सुपर डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लो के प्रेशर में अपने तरफ आएगा, छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र की तरफ से निकल जाएगा। तो अपना जो पोर्शन पूरी मध्य प्रदेश कह सकते हैं जो है, पहले 25-26 में तो कोई आसार नहीं है बारिश के, लेकिन 27 तारीख में इसके चांसेस हैं कि ये फिर पूरी मध्य प्रदेश में इन जिलों में बारिश की स्थिति इसे 26 27 में दे सकता है और 28 में दे सकता है।